विहार इलाके में 50 लाख की रंगदारी मांगने के इल्जाम में एक युवक को अरेस्ट किया गया है। आरोपी ने अपने ही पूर्व मालिक से पत्र के माध्यम से यह डिमांड की थी, मकसद उसे सबक सिखाना था। दरअसल आरोपी पहले एक ज्वेलरी शोरूम में काम करता था, वहां उसका अफेयर शोरूम मैनेजर से चल रहा था। यह बात मालिक को पता चली तो शोरूम मैनेजर को उसने काम से निकाल दिया। इसके बाद युवक ने खुद नौकरी छोड़ दी। बाद में आरोपी को पता चला उसकी गर्लफ्रेंड को वहीं पर नौकरी मिल चुकी है, जिस कारण उसे शक था कि युवती की नजदीकियां मालिक से बन गए हैं। डीसीपी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दीपक यादव ने बताया आरोपी की पहचान अजय के तौर पर हुई, जो ताहिरपुर सराय जीटीबी एन्क्लेव इलाके का रहने वाला है, जिसे मंगलवार को इसे एसटीएन हॉस्पिटल के नजदीक से पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने खुलासा किया वो ऐश की जिंदगी जीने का शौकीन है, क्लब में भी जाता रहता है। ज्वेलरी शोरूम में काम के दौरान उसे शोरूम मैनेजर से प्यार हो गया था। यह बात मालिक को पता चली तो उसने शोरूम मैनेजर प्रेमिका को नौकरी से निकाल दिया। इस बात से नाराज होकर उसने भी नौकरी छोड़ दी। उसे शक था कि प्रेमिका और मालिक के बीच में कुछ चल रहा है, इसी वजह से उसे दोबारा से काम पर रख लिया गया था। इस कारण उसने मालिक जितेंद्र गर्ग को सब सिखाने की ठान ली, जिसके तहत उसने वसूली का प्लान बनाया। वो मालिक को उसी के बर्थडे पर 3 जनवरी को लेटर पहुंचाना चाहता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। सनसनी ऑफ इंडिया टीम। क्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।